क्या दिया था, उदाहरण वन उधर ऊपर दिया था ना, उदाहरण टू से देखो यहाँ से क्या दिया। तो यहाँ पे तुमको निकालना है इसका मान तो नहीं निकलेगा, 180 डिग्री में ये दोनों जोड़ के घटा देंगे, कैसे समीकरण बनेगा सो देखो। 47 डिग्री प्लस 52 डिग्री प्लस क्या लिखेंगे, कौन पी ना निकालना है, प्लस कौन पी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये दोनों जुड़ के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कौन पी बराबर क्या होगा बता, तो डायरेक्ट जोड़ के दोनों बता तो कितना आ रहा है, 7 2 9 5 4 9 ये ना आया, तो कितना आएगा घट के, यहाँ पे घटा के लिख देना कौन पी उतना के बराबर होगा। ठीक है, तो आसान प्रश्न है ये सब। अब यहाँ से एक्स निकालना है, तो तीनों कोनों का सम से निकल जाएगा, पहला सिर्फ बता देते हैं देखो कैसे निकलेगा। 50 डिग्री एक्स निकालना है ना, तो क्या लिखेंगे 50 डिग्री, यहाँ पहले लिख लेना त्रिभुज के, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री, कैसे लिखना है देखो, चूंकि त्रिभुज ऐसे लिख के बनाना, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, यहाँ तक कितना लिख लेना होता है, इतना दूर तक लिख लेना है पहले तुम लोग को होता है, उसके नीचे लाइन में लिखना क्या लिखना देखो, पहला बना रहे हैं 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों जोड़ के 110 डिग्री हो गया, प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। समीकरण बनाने नहीं आता, दिक्कत होगा, एक्स लिखो उधर उधर चल जाएगा, तो 180 में 110 घटेगा कितना बचेगा, एक्स बराबर 70 डिग्री, कैसे बनेगा देख लेगा, ये सब पूरा बन जाएगा। और ये हम तुम लोग को बताए थे कि ये कितना है 90 डिग्री है, इसका घबराने का जरूरत नहीं है, तो ये सब बन जाएगा। एक ये देखो कैसे बनेगा, यहाँ एक्स और एक्स दे दिया, क्या लिखेंगे एक्स प्लस एक्स, ये वाला बता रहे फोर नंबर, ठीक है, एक्स प्लस एक्स प्लस 50 डिग्री लिखेंगे बराबर कितना लिखेंगे 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 2x, और उधर जाएगा 50 घट जाएगा, घटेगा कितना बचेगा 130 डिग्री, तो यहाँ से x निकल जाएगा, कितना निकलेगा, हाँ कितना होगा 65 होगा, 65 डिग्री आएगा, कितना आएगा इतना ही आएगा है ना, ये बटम जाएगा तो इतना ही आएगा, कैसे आया देखो दिखा देते, जिसको दिक्कत हो रहा है देख लो, 180 डिग्री हुआ, ये 50 डिग्री है, यहाँ 2x हो गया और प्लस 50 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब ये 2x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाकर घटेगा ना, तो क्या हो गया 2x बराबर 130 डिग्री। अब x बराबर क्या हो जाएगा 130 बटे 2, तो कितना आएगा 65 डिग्री आएगा, ठीक है 65 डिग्री इसका आंसर आएगा। इसी तरह ये भी हो जाएगा ना 3x हो जाएगा, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 3x, 180 डिग्री क्या हो जाएगा 3x बराबर 180 डिग्री। अब x निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा 3, क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो सब 60 डिग्री का होगा ना इसमें 60 डिग्री का, और इसमें कितना आया था 65, तो ऐसे ऐसे आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे भी वही है, उसी तरह बन जाएगा ना समीकरण जैसा, यहाँ पे क्या लिखना है 90 प्लस 2x प्लस एक्स, यहाँ 90 भी लिखना साथ में, चलो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या निकालना है, बोल रहा है x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है 120 ये दिया है देखो, तो ये 120 दिया है, तो बाह्य कोण का योग सब निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे 50 डिग्री, 50 लिखा हुआ है, 50 डिग्री प्लस एक्स बराबर 120 डिग्री होगा, देखो तो ये दोनों कोनों का जोड़ इसके बराबर होगा ना, क्या लिखेंगे कौन सा गुण से, बाह्य कोण के त्रिभुज के बाह्य कोण के गुणधर्म से, यहाँ लिख लेना क्या लिखना, त्रिभुज के बाह्य कोण से यहाँ लिख लेना, जितना बोले वो लिख लेना बाह्य कोण से, ये हो जाएगा। यहाँ से x कितना आ जाएगा देखो, 120 में जाएगा उधर 50 कटेगा 70 आएगा, तो 70 डिग्री यहाँ से हमको x निकल गया, कितना निकला 70 डिग्री। अब हम इसको त्रिभुज के तीनों कोनों से भी निकाल सकते हैं और रेखीय युग्म से भी निकाल सकते हैं, कौन तरीका से निकाल ले, y निकल जाएगा ना, अब क्या x निकल गया, कितना निकला 70 डिग्री, यहाँ 70 डिग्री आया x, तब हम दो तरीका से बना सकते हैं, ये क्या करेंगे त्रिभुज के तीनों कोनों को योग से क्या होगा 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री, यहाँ से y निकल जाएगा ना, एक ये तरीका से निकलेगा और एक और तरीका से निकाल सकते हैं, रेखीय युग्म से लिखेंगे डायरेक्ट निकल जाएगा, रेखीय युग्म से क्या होगा y प्लस 120 होगा बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से भी y निकल जाएगा, दोनों का मान एक ही जैसा आएगा, ठीक है बन जाएगा। अगला देखो, ये जब 80 डिग्री है तो ये सिरसाभिमुख कौन सा हो जाएगा 80 डिग्री है ना, तो ये y कितना हो जाएगा 80 डिग्री, क्या लिखना सिरसाभिमुख कौन सा y बराबर 80 डिग्री, सिरसाभिमुख कौन सा होगा, ठीक है। अब ये 80 डिग्री हो गया, ये क्या हो रहा है, ये 80 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री, तो x यहाँ से निकल जाएगा, अब निकल जाएगा तो क्या लिखेंगे 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ से x निकल जाएगा, क्या दो ठो पता है। अब यहाँ देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ पे देखो तीनों कोनों का योग से y निकल जाएगा, y निकल जाएगा 50 प्लस 60 प्लस y बराबर 180 डिग्री, तो y यहाँ से निकाल लेना, और जब y निकल जाएगा तो x भी निकल जाएगा, दो तरीके से निकाल सकते हैं, रेखीय युग्म से भी निकाल सकती है, या चाहे ये दोनों कोनों का जोड़ के बराबर क्या होगा x,
डायरेक्ट भी निकल जाएगा। एक्स तो यहीं से दिख रहा है, 110 डिग्री होगा। ये वाला देखो कैसे निकालना है, ये वाला क्या करेंगे, ये वाला सिरसाभिमुख कौन सा 60 डिग्री निकलेगा, एक्स सिरसाभिमुख कौन से, देखो ना मुँह सटेले कैची जैसा, क्या लिखेंगे एक्स बराबर 60 डिग्री सिरसाभिमुख कौन से, सिरसाभिमुख यहाँ लिख लेना, सिरसाभिमुख कौन से, ये लिखा जाएगा। और जब ये निकल जाएगा तो ये तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो निकल जाएगा। ये देखो ये क्या करना है, यहाँ पे भी सिरसाभिमुख कौन से, यह निकल जाएगा ये दोनों वाई डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री और प्लस फिर क्या रहेगा एक्स, फिर प्लस क्या है एक्स बराबर कितना होगा, 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोनों के योग से, तो 90 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री, और 90 डिग्री इधर रह जाएगा और उधर जाके 2x क्या होगा, नहीं 2x इधर रह जाएगा और उधर जाके 90 घट जाएगा, तो कितना बचेगा 90 बचेगा, जिसको समीकरण नहीं आता समीकरण देख लो, x बराबर कितना आएगा 45 डिग्री आएगा, ठीक है। अब ये देखो ये वाला प्रश्न कैसे बनाएंगे सब, यहाँ क्या करेंगे देखो तो बताओ तो कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है, क्या करेंगे सुनो, यहाँ पे हमको x निकालना है ना और y निकालना है, तो कैसे के निकालेंगे सुनो, यहाँ से ये वाला से x निकलेगा, इसको कैसे निकालेंगे बताओ तो, देखो तीनों x ही है, बहुत आसान है, यहाँ ये y भी तो x के बराबर है, क्या लिखेंगे y बराबर x किससे, सिरसाभिमुख कौन से लिख लेंगे, सिरसाभिमुख कौन से, तो इसको अब हम x भी लिख सकते हैं y के जगह, लिख सकते हैं, और ये भी x होगा सिरसाभिमुख कौन से, और ये भी क्या होगा x, देखो ना सिरसाभिमुख कौन से, सिरसाभिमुख कौन से ये वाला होगा x, और ये भी सिरसाभिमुख कौन से होगा x, दोनों के तो तीनों क्या हो गया x हो गया, तो क्या लिखेंगे x प्लस x, यहाँ y नहीं लिखना नहीं तो गलती हो जाएगा, नहीं तो लिख सकता है शुरू लाइन में, देखो कैसे करेंगे y ए बराबर 180 डिग्री, अगला लाइन में ये क्या कर देंगे x ही कर देंगे, x प्लस x 180 डिग्री क्या हो जाएगा 3x बराबर 180 डिग्री, यहाँ क्यों ऐसे किए जानती है ना, y को x क्यों लिखे बताए ना, y बराबर x होगा, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री है ना, तो जब 60 है x तो y भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा ये वाला ख़त्म हो गया, ठीक है, तो 6.3 यहाँ से क्या हो गया समाप्त। तुम लोगों को हम पिछला बार में क्या बताए थे कि कोई भी त्रिभुज अगर ऐसे रहेगा तो इसका जो बाह्य कोण होता है ये वाला बाह्य कोण, ठीक है, वो बाह्य कोण किसके किसके जोड़ के बराबर होता है, ये वाला इसके और इसके कि इसके इसके और इसके, जल्दी बताओ ये वाला कि ये वाला कि ये वाला और ये वाला, जल्दी बताओ किसे किसके जोड़ के बराबर होता है, ये तीनों कोण में से कौन सा कोण दो कोण को जोड़ के बराबर होता है, ये कौन जल्दी बताओ, ये वाला भी होता है क्या, नहीं ये वाला और ये वाला बताए थे कि ये और ये कोण का जोड़ के बराबर ये होता है, ये कौन सा को मतलब नहीं ये लोग बताए थे, तो इसी से तुम देखो क्या होगा कैसे हम प्रूफ करना है कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, कैसे करेंगे प्रूफ देखो, अच्छा ये कोण कितना होगा बताओ तो अपने से, 180 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि क्या है ये रेखिक युग्म बनाएगा, रेखिक युग्म बनेगा ना, एक रेखा है ना, तो इधर और ये वाला कोण जोड़ के कितना होगा 180 डिग्री, इतना दूर तो पता है, इतना पता है ना, तब देखो हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे कि 180 डिग्री ये तीनों कोनों का जोड़ होगा, सो तो ध्यान से सुनो, तो ये कोण और ये कोण किसके बराबर है, ये कोण के बराबर, ठीक है, तो इसको हम अगर कोण एक मानेंगे और इसको कोण दो मानेंगे तो ये क्या हो गया, कोण एक प्लस कोण दो हुआ, हाँ देखो तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये वाला हम कोण तीन मानते हैं, कितना मानते हैं कोण तीन, इसको मान लिए तो देखो तो यही तीनों तो हो गया, कोण एक दो प्लस तीन बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, नहीं हो जाएगा, देखो तो कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, कौन सा नियम से, रैखिक युग्म से, अब प्रूफ हो गया ना, कैसे प्रूफ किया देख ली, याद रहेगा प्रूफ, कैसे प्रूफ करना है कभी भी देगा तो ऐसे बना लेना त्रिभुज और लिखना कि चूंकि हमको पता है कि बाह्य कोण का जो होता है बाह्य कोण का जो मतलब होता है मान वो हमेशा अंतः दो कोणों के बराबर होता है, है ना, तो ये वाला कोण अगर हम मानेंगे अगर बात की माने एक और ये कोण दो तो ये क्या हो जाएगा, कोण एक प्लस कोण दो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा, और ये कोण तीन है, तीनों मान लिए कोण एक कोण दो कोण तीन, तो ये कोण एक प्लस कोण दो हो गया, और ये तीनों कोणों का जोड़ हमको क्या दिखाना है, दिखाना क्या है कि कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन बराबर 180 डिग्री, देखो तो तीनों त्रिभुज का कोण ही तो है ये तीनों, समझ में आया, तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं, समझ में आ गया क्या करना है, सो रैखिक युग्म का यूज करके, तो यहाँ पे वही किया है देख लो, है ना, यहाँ से देखो कोण एक कोण दो और कोण तीन माना है ना, और दिखाना है क्या दिखाना है हमको कि कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन कितना होगा 180 डिग्री, यही ना, देखो तो त्रिभुज का तीनों कोण यही है, तीनों
और यही हमको दिखलाना है। तो कैसे दिखाया देखो, तो क्या दिखाया कि चार एक बाय कौन है, बाय कौन है चार देखो, तो चार बराबर देखो लिखा है कौन एक प्लस कौन दो लिखा है देखो, तो यहाँ पे कौन एक प्लस कौन दो चार, बाय कौन का गुणधर्म ही बता दिए। अब देखो अब ये चार हो गया एक और दो के बराबर, और ये तीन, चार और तीन जोड़ के कितना होता है 180 डिग्री। तो वही लिखा है कि चार प्लस तीन, लिखा है चार प्लस तीन देखो दिए, और इधर लिखा है एक दो और तीन बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री बन जाएगा। इससे अच्छा तरीका तो हम बता दिए, तो याद रहेगा ना। चलो देखो उदाहरण वन।